ट्री नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। विषय है साधना का लक्ष्य क्या होना चाहिए, और ये विषय मैं इसलिए आज उठा रहा हूँ क्योंकि अभी एक साधना शिविर बीता, बहुत लोग संपर्क में भी हैं और हर व्यक्ति का साधना को लेकर, साधना के लक्ष्य को लेकर एक अलग धारणा है। आज का वीडियो मैंने ये सोचकर बनाया है कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप लोगों का साधना के प्रति सोच और आपका कॉन्शियसनेस एक लेवल ऊपर बढ़ेगा। जब हम साधना करते हैं तो 99% लोग देव प्राप्ति, शक्ति प्राप्ति के लिए साधनाएं करते हैं, उसके बाद बचे लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। तो अंतोगत्वा हम सभी साधना किसी न किसी चीज को प्राप्त करने के लिए करते हैं, और फिर कहते हैं कि इस लोभ भरी साधना से हमें मोक्ष मिलेगा। देखो, ये जो हम दुनिया अपने तरफ देख रहे हैं, ये जो रंगीन दुनिया है, तरह तरह के रंगों से भरा हुआ, तरह तरह का संगीत जो इसके कल कल में बहता है, साधना का वही लक्ष्य है। साधना का लक्ष्य होता है एकाकार हो जाना। क्या मोक्ष होता है, मैंने पहले भी बताया, जिस चीज का कोई प्रमाण ना हो उसके पीछे भागना ही नहीं है। क्या शक्तियां होती हैं, होती हैं, लेकिन उनको उतने ही देर रखना चाहिए जितना देर उनका काम हो। तो फिर साधना करते क्यों? साधना करते हैं खुद को जागृत करने के लिए। कोई अगर आपको ये बताता है कि आप अभी पाप कर रहे हो, कल पुण्य कर रहे हो, तो पाप का फल है कि आपको नरक मिलेगा, पुण्य का फल है कि आपको स्वर्ग मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ ये सब कहानियाँ हैं। ना किसी ने आज तक स्वर्ग देखा है, ना किसी ने आज तक नरक देखा है, और डराना ही धर्म का एक मकसद हो गया है। आप कभी भी किसी के प्रति कुछ अच्छा करोगे ना, तो वो किसी ना किसी का अहित होगा। आप समझ रहे हो, आपने किसी की अगर मदद की, उसके मदद से उसका काम बना, तो किसी का काम रुकेगा तभी किसी का काम बढ़ेगा। जैसे कोई जब फल टूटता है, जब कोई चिड़िया पक्षी मरती है, जब कोई धान काटता है, तभी आपका पेट भरता है। आपके लिए तो वो अच्छा व्यवहार है, किसान के लिए वो अच्छा व्यवहार है, लेकिन उस फसल के लिए तो वो व्यवहार खराब हुआ, उस जमीन के लिए वो व्यवहार खराब हुआ। वैसे इंसानी जीवन में भी इतना प्रकार का विषय है कि अगर आप सोचोगे कि मैं हमेशा पुण्य करता रहूँगा तो सब कुछ ठीक होगा, तो ऐसा नहीं है। आप हमेशा पुण्य कर ही नहीं सकते। इसीलिए पुण्य और पाप का जो परिभाषा है, उससे दूर हट के साधना करना चाहिए। मोक्ष होता नहीं, मुक्ति होती है। इस शरीर के कष्टों से मुक्ति हो जाती है जब आप मृत्यु को प्राप्त करते हो। तो फिर साधना क्यों करें जब मोक्ष प्राप्ति हमारा उद्देश्य नहीं है, ठीक है, पुण्य पाप का चक्कर है नहीं, तो फिर साधना क्यों करते हैं? मैं एक बात आपको बताता हूं, आप हो, मैं हूं, और इस वीडियो में मैंने जानबूझ करके एक भी फोटो नहीं डाला है, सिर्फ वीडियो है, मतलब चलंत वीडियो है। अभी जैसे कि आप स्क्रीन पे देखिएगा तो आप देख रहे हैं भैरव बाबा को। भैरव बाबा ने बहुत सारा माला पहन रखा है, गुलाब है, चमेली है, गेंदा है, और बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं। अभी ये भैरव बाबा हो सकता है कि मुझे आकर्षक लग रहे हैं, आप लोगों में से 99% लोग को आकर्षक लग रहे होंगे, लेकिन 1% को हो सकता है कि वो आकर्षक ना लग रहे हों। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको नेचर के बीच में जाना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको पुराना खंडहर देखना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं कि जो चिड़िया को देख के उनको बहुत अच्छा लगता है। आपका फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह हो सकता है, मेरा फेवरेट सिंगर हो सकता है नुसरत फतेह अली खान, या फिर कोई बॉब मार्ले हो। तो ऐसा क्यों होता है?
क्यों ऐसा बोला जाता है कि जो सुंदरता है वो देखने वाले के नजरिए में होती है, क्यों हर एक व्यक्ति को अलग अलग तरह का म्यूजिक पसंद है, क्यों दो आदमी एक चीज पर राजी नहीं हो सकते हैं। तो उसका कारण है, सबसे पहले ये समझ लो कि हम उतना ही समझते हैं जितना हमें समझने की छूट दी गई है। अगर मैं बोलता हूं लाल, मेरे सामने दीवार पर लाल रंग लगा है, मैं देख रहा हूं वो मेरे लिए लाल है, मैं जो बोल रहा हूं ये बड़ा विषय है, मैं जो देख रहा हूं वो मेरे लिए लाल है, जो मैं बोल रहा हूं वो मुझे लाल सुनाई दे रहा है, लेकिन जब मुझसे मेरे मुख से निकल के वो आपके कानों में गया और आपके ब्रेन ने जब उसको इंटरप्रेट किया, तो ना आप जानते हैं कि आपके ब्रेन ने क्या इंटरप्रेट किया, ना आप जानते हैं कि मेरे ब्रेन ने क्या इंटरप्रेट करके अभी बोला था। आपने कुछ सुना वो ब्रेन का इंटरप्रिटेशन, आप जो सामने देख रहे हैं वो ब्रेन का इंटरप्रिटेशन। हो सकता है कि जब मैं रेड बोल रहा हूँ आप ग्रीन सुन रहे हो, आपके हिसाब से रेड है वो, समझ रहे हो बात को, और आप जो देख रहे हो वो ग्रीन है मेरे हिसाब से। हम लोग दोनों दो अलग चीजें देख रहे हैं, लेकिन समन्वय ऐसा बनाया गया कि ऐसा लगता है कि हम दोनों एक ही चीज देख रहे हैं, एक ही बात बोल रहे हैं, एक ही बात सुन रहे हैं। इसीलिए सुंदरता में फर्क आता है। कहने का मूल तात्पर्य क्या है? कहने का मूल तात्पर्य ये है कि हमारी हस्ती इस पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। मतलब पेट का जो एक बैक्टीरिया खाना पचाता है हमारे पेट में, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, उससे भी कम महत्वपूर्ण इस पूरे ब्रह्मांड के प्लानिंग में हम लोग हैं। हमारा कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है, ठीक है। साधना हम इसलिए करते हैं कि जितना तक हमारा अस्तित्व है वो अस्तित्व हमें समझ में आ जाए। पुण्य पाप का खेल कितना है? पुण्य पाप का खेल बस इतना है कि तुम जो करो उसके लिए खुद जिम्मेदारी लो, अपनी जिम्मेदारी लो, और दूसरों के जीवन में टांग मत अड़ाओ। अगर इस तीन विषय को तुम ध्यान में रखोगे तो तुम कभी पाप नहीं करोगे। बाकी समझने की कोशिश, बहुत ज्यादा समझने की कोशिश, और ऐसा सोचना कि तुम बहुत बड़े तोप हो सकते हो साधना करके, ये गलत है। साधना का लक्ष्य एकमात्र ये है कि मैं जो देख रहा हूं, तुम जो देख रहे हो, अगला जो देख रहा है, जो मैं देख पा रहा हूं, जो तुम नहीं देख पा रहे हो, वो सब मुझे दिखे। तुम क्या समझ पा रहे हो ये मुझे समझ में आए। मेरा लाल तो लाल है, तुम्हारा हरा लाल है, ये मुझे पता चल जाए, तो फिर आप सिद्ध हो जाते हो। ये मैनिफेस्टेशन है। यही करने के लिए आप साधना करते हैं, समझने के लिए, उस चीट कोड को तोड़ने के लिए आप साधना करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो सत्य दिख रहा है, जो हमेशा बोलते हैं सब माया है, जैसे श्री कृष्ण ने क्यों बोल दिया कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, क्योंकि सब खेल है। आपके जीवन का खेल सिर्फ आपके लिए चल रहा है, आप समझ पा रहे हो। हो सकता है आपको जहां ठंड लगती है दूसरे को गर्मी लगती है, होता है ना कि लोग बोलते हो मुझे तो यहाँ बहुत ठंडी लग रही है, किसी को बहुत गर्मी लग रही है। क्यों होता है? क्योंकि हर इंसान जो कि बहुत नेग्लिजिबल है, लेकिन तब भी उसका अपना एक माया का सेटअप होता है। हम साधना करते हैं उस बिंदु तक जाने के लिए जिस बिंदु से यह सब माया निकली, और हम समझ पाए कि हमारे बगल वाला जो है वो किस माया में जी रहा है, और हमारे आसपास जो माया है उसकी सत्यता क्या है। इससे ज़्यादा न साधना कुछ दे सकता है, ना आप साधना कुछ कर सकते। उम्मीद है थोड़ा आप आगे बढ़े होंगे साधना के विषय में। इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरे मुझसे साधना सीखना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, पेड ग्रुप। जिनको भूत प्रेत में इंटरेस्ट है, मेरी किताबें हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अमेजोन से आप ले सकते हैं। डायरेक्ट कॉल करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, कॉल के लिए उसमें रुद्रनाथ सर्च करिएगा तो मेरा नाम आए, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए मेरा वेबसाइट है www.unpopular.com, उसमें अपॉइंटमेंट सेक्शन है, आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सभी को आदेश आदेश अलग।